And welcome back. Thank you once again for starting your afternoons off with TV One. And we want to give out the number one more time. It is 855-886-6387, extension 4. The more you call, the more chances you have of winning. Aur ab aap kya jeetenge? From Ashay Skincare, you're going to win a cream. But you have to call the number, and if you have the right answer. Ab zahir hai answer kis cheez ka denge aap. Sawal aakhri jo hai aaj ke show ka, wo hai, name any two soaps on TV One. That's it. It's a very simple question. Question mein humne asaan kar diya aapke liye aakhri wala. Name any two soaps on TV One. And if you give the right answer, the more you call, the more chances you have of winning. Aur chalte hai wapas humare guest ke saath. Aur jaise hum baate kar rahe hai, waqt bhi humara bahut tezi se chal raha hai. So thank you once again. But आपसे पूछना था डिस्करेजमेंट की, जब कोई बिजनेस में जाता है तो एक डिस्करेजमेंट है कि तुमने अच्छा नहीं किया और दिस वाज बैड और जस्ट गिव इट अप, व्हाट यू हैव टू से? मैं हमेशा उन लोगों को कहूँगा जो अभी बिजनेस में नहीं आए और सोचते हैं, ठीक है, वो सबसे जो सबसे बड़ा मसला होता है उनका ना बिजनेस में आना का, कि वो इतने मशवरे करते हैं लोगों के साथ कि उनको डिस्करेजमेंट ही होती है। कोई भी बंदा उनको नहीं कहता नहीं नहीं तुम कर लो, ये करना चाहिए, आप अपनी रिसर्च करें और ज़्यादा बातचीत नहीं करें लोगों के साथ, अपना फोकस करें, बिलीव ऑन अल्लाह, यकीन करो आप सक्सेसफुल होगे। बिज़नेस को अगर कोई सक्सेसफुल बनाता है, ये लुकमान या कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता, ये ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से। आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और ये ना किसी को डिस्करेज करो ये कह के कि तुम तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसको बताने में कामयाब नहीं हुए कि उसको करना क्या चाहिए, इसलिए आपको खुद भी पता नहीं है तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हो। तो प्लीज़ डोंट गो टू इन दोज पीपल जो आपको डिस्करेज करते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और ज़रूर बिजनेस करें। मुश्किलें हर काम के अंदर हैं, जॉब के अंदर भी हैं, बिजनेस के अंदर भी हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आप बताए वही लाला साहब के जब बात आती है फैमिली की, जैसे बता रहे हैं डिस्करेजमेंट की, इंकरेजमेंट की फैमिली की कितनी ज़रूरत होती है और वक्त कितना निकालना पड़ता है जब बिज़नेस कोई कर रहा हो, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त? मैं लुकमान की बात को अगेन आगे बढ़ाता हूँ। आप कोई भी बिज़नेस करें ना, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके, बहुत ज़्यादा मशवरा लेने से आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो जितना भी आप अपनी तौर पर थोड़ा सा रिसर्च करके, बिस्मिल्लाह करके आप उसको काम करें, और हार्ड वर्क और अगेन ऑनेस्टी के साथ आप काम करें, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। और जहाँ फैमिली का ताल्लुक है, तो आपको अपना शुरू शुरू में जब आप यंग होते हो तो आप यू कैन वर्क लाइक 14-18 आवर्स, हमने भी बहुत काम किया है, लेकिन एक टाइम आता है यू हैव टू गिव टाइम फॉर द फैमिली। आपको अपना टाइम सब एक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब नई जनरेशन आती है तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक एक आपको एक सब चीज़ की लिमिट रखनी पड़ेगी कि आपको टाइम भी देना है, फैमिली को भी देना है। तो इट्स पार्ट ऑफ यू नो ऑल द शेड्यूलिंग, यू नो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, व्हाट वाज द की टू योर सक्सेस? किसकी वो सपोर्ट थी जिससे आपको लगता है कि यू वर एबल टू डू? एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क। इस हमारी एक टीम, हमारी हर टीम के, हमारे साथ हैं, जुनेद साहब हैं, मेरे बेटे हैं, और हमारे एक एक वर्कर्स, इनकी सबकी सक्सेस है उसमें। यानी किसी एक आदमी की एफर्ट काम नहीं आती है, इट्स अ टीम वर्क। और आप लेकिन ऊपर से जो आदमी हार्ड वर्कर होगा ना, तो नीचे भी ऑटोमेटिक ये हर चीज़ आगे चलती है। तो इट्स अ सक्सेस ऑफ हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू पेशेंट आपके पास होना चाहिए। अगेन के आपके पास अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन आप अपने लाइन पर अगर खड़े रहेंगे ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली। एंड जॉन, आप आई वांट टू आस्क यू कि व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस, स्पेशली यू नो सो मेनी मॉर्गेज कंपनीज, बट यू आर मॉर्गेज एंड रियल एस्टेट, सो यू काइंड ऑफ कंबाइन बोथ थिंग्स, बिकॉज़ यूजुअली आपको जाना होगा एक के पास एक चीज के लिए दूसरे के पास, सो यू कंबाइन दैट। व्हाट वुड बी समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल नीड टू नो व्हेन इट कम्स टू स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्कैम्स? And how people promise we'll give you this much percentage, and you're like, okay, and then like the numbers change. What would you have to say? It's mostly dealing with the professionals. Mm-hmm. You know, don't go for shortcuts and free advice. Free advice is the worst advice you can nothing get. Nothing is free. You know, nothing is free, and you get the worst advice when you go for the free advice. Dealing with professionals, somebody whom you can talk to, meet in person. You know, those are really important things, you know, rather than, talking to somebody over the phone, or, I mean, aaj ka, you know,
you know, today's world, it is all possible. Mm-hmm. We can do everything, but at least have some reference, you know, somebody has a value, you know, in the community, or, you know, somebody can say, okay, you know, this guy's done business, okay, this guy is trustworthy. Right. You know, you got to. And especially if, for example, for your company, people, it's kind of a word of mouth. You know, it's not like if you know this person is doing something wrong, then don't go to them. I mean, don't get scammed. Right. That's a very important thing. Scam aap khud honge, aap but unfortunately, Lubna, you know, our folks, you know, we always fall for the dollar amount. Mm-hmm. You know, someone say either price come, you know, even though you know this guy is not doing things right, you know, our folks always get attracted to that. For some reason, some folks, that's just the way we are. Right. And then it's a sad thing. And that's why I hope through this show, people can understand, you know, it's hard to start a business. But if you have certain things, you have ethics, you don't scam people, you will succeed. Right. There's no shortcut, you know, there's no shortcut. It's all about how you set up your left-hand side. That's how your right-hand side is going to be. The equation, you keeping the equation correct. Right. Okay, if you look around the world, everything is a business, whether government or private sector. If they can do it, we can do it right also. It's all about how you set up the left-hand side right, you know, do the hard work, balance it out. Mm-hmm. You will have a good, successful business. Right, definitely. And what would you all want to tell our viewers out there? That when a business starts, and we have encouragement ki baat humne ki hai, माँ कह देती नहीं बेटा तुम मत करो या बीवी कह देती सुने आप सारा पैसा वहाँ लगा देंगे ये शोहर कह दे कि भाई तुम दिमाग खराब हो गया तुम क्यों ये करोगी तो व्हाट वुड यू वांट टू से उसके ऊपर क्या कहेंगे बड़ा खतरनाक वायरस है ऑनेस्टली क्योंकि अगर जब आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप बढ़ नहीं सकते और घर से ही आप डैमेज हो जाएंगे प्लीज़ आप अपने आप अगर कुछ कर सकते हो स्किल्स हैं ज़रूर आगे निकलो फिर आपको किसी की भी नहीं सुननी है बिजनेस के अंदर एक ही चीज़ है अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में एक दफ़ा मिलती है जॉब आप रोज़ाना करते हैं तो इसको ज़रूर करो और आगे बढ़ेंगे अगर आपकी बिजनेस अप्रोच है आइडिया है विजन है ऑनेस्टी है ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी इन्होंने सक्सेस के अंदर अपनी फैमिली का नाम भी टीम की सूरत में लिया आई मीन दैट इज़ द ब्यूटी कि बिजनेसमैन कभी भी कोई गोल या टारगेट अचीव करता है सक्सेसफुल होता है वो भी कभी भी अकेला नहीं होता है अल्लाह की ब्लेसिंग और टीम वर्क इससे कंप्लीट टीम वर्क आपके पास जो बंदा काम कर रहा है वो भी बहुत मेहनत से काम कर रहा है वो आपके टीम का हिस्सा है फैमिली की सपोर्ट टीम का हिस्सा है जब सक्सेस हासिल होती है अगर सिर्फ बीवी ये कहे कि मेरी वजह से यह सब कुछ हो गया है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वर्कर्स फैमिली सबकी सपोर्ट जी बिल्कुल आप बताएं इसके ऊपर अगेन इट्स मैं कहता हूँ कि एवरी वर्कर ऑफ योर टीम इज प्रेशियस आप उसको इतनी अहमियत दीजिए जैसे आपकी हर ईंट होती है ना आपके बिजनेस की वो उसके लिए वो इतना मेहनत करता है तो इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क आप कोई भी इसमें आप अकेला किसी का रोल नहीं होता है हर पार्ट्स अपना आप काम करता है आप अभी लुबना जी देख लीजिए कि हम एक शो कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट टीम रियाज भाई यहाँ पे हैं टी वी वन से ताहिर है यहाँ पे इसी तरीके से एक कैमरा क्रू यहाँ पे है आप बैठे हुए हैं हम सब एक टीम है उसके बगैर ये शो भी नामुकम्मल है थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग एंड थैंक यू माय फैमिली माय फ्रेंड्स You know, my fellow business folks, you know, who are always there for me. Even when I'm in challenges, they'll say, John, you can do it. You know, I cannot appreciate them enough for all their support. Right. And the challenges aate hain, and you know, ek aur baat maine kahi thi, jo again, khali hamare community ke upar baat nahi hai. I think har community mein hota hai, ke jahan pe ek, you take things for granted. And I think as being a successful businessman, all three of you, you understand ke ek importance hoti hai har cheez ki. There are certain levels of doing everything the right way. Jo agar aap wo bhool jaye na, tab I think it just falls apart. What do you think? Well. डेफिनेटली लुबना एक चीज़ मैं ऐड करूँगा इसके अंदर कि कभी भी किसी को अगर आप के पास एक अच्छा मशवरा है ज़रूर दो और सबकी हेल्प करो जितनी भी कर सकते हो बिजनेस में रह के आप अपनी एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर सकते हो करो अगर कोई आपसे एक मशवरा मांग रहा है एक ओपिनियन मांग रहा है उसको ट्रू ओपिनियन दो ये सोचे बगैर कि यार कल वो ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस खुद कर लेगा और मैं पीछे रह जाऊँगा ऐसा नहीं अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि जितने लोगों ने भी एज अ कम्पिटिटर हमारे आए हैं अल्लाह ने उनको भी रिस्क दिया है
हमें भी दिया है और हर बंदा अपनी जगह के ऊपर सक्सेसफुल हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ह्यूस्टन या पूरी दुनिया का बिज़नेस सिर्फ चेयर्स और ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे लोग हमारे साथ होंगे ताकि सब के सब ट्रैवल एजेंट सक्सेस हासिल करें इसी फील्ड के अंदर। चले ठीक है, अब वक्त आ रहा है हमारे शो रैप अप करने का। थैंक यू सो मच लखमान साहब, चेयर्स और ट्रैवल से टेकिंग ऑन द टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आउट। और वही लाला, आपको भी थैंक यू कहना था, आई नो आप बिजी हैं, वो लॉन्च करने के ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी आम आएंगी ह्यूस्टन में। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला अपने कीमती वक्त से। और जॉन, थैंक यू सो मच कि आप भी आए, आई नो यू बिजी घरों के एंड ऑल दोस थिंग्स, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग आउट। चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और अगेन वंस अगेन वी डू वांट टू थैंक एवरीवन फॉर व्यूइंग आवर शो ऑन बिहाफ ऑफ TV1, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द शो सो सक्सेसफुल। Or as usual, we would like to thank all of you for having brunch with us. Once again, we would like to thank Faisal Kamal of Embassy Suites Energy Corridor for giving us the venue. And not only that, agar aap log bhi soch rahe hain koi shaadi, koi ameen, koi bismillah, bas get together, definitely do come here. Beautiful banquet hall, beautiful arrangement, and that personal desi touch. Once again, thank you. And finally, मैं नंबर एक बार फिर दे दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग कॉल करना चाह रहे हैं, एंड यू स्टिल हैव टाइम, जब तक मैं हूँ तब तक आप कॉल कर सकते हैं। इट इज़ 855-886-6387 extension 4। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले संडे को लुबना के साथ। अल्लाह हाफिज़।